तो सुनील जी के साथ हम आज बात करेंगे पिवट टेबल की एक प्रोजेक्ट के बारे में। पिवट टेबल जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरह से रिपोर्ट जनरेट करता है। हालांकि अभी की क्लासेस में सुनील जी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से पिवट टेबल के जरिए हम समरी क्रिएट करते हैं, राइट, डेटा की समरी क्रिएट करते हैं। बट इससे भी ज्यादा और किस तरह की रिपोर्ट बनाई जा सकती है, तो एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारे पास एक डेटा है। जैसे ऑफिस में एक्सेस कार्ड होता है ना, बायोमेट्रिक कह लीजिए, एक्सेस कार्ड कह लीजिए, इस तरह का डेटा होता है। yes, sir, yes, sir. उस डेटा में डेट एंड टाइम होता है, मतलब तो जैसे आप जब भी दरवाजा खोलते हैं तब तो आपका डोर जो है ओपन हो जाता है। राइट सर? यस सर, यस सर। जब भी दरवाजा हम खोलते हैं तो हमारा डोर ओपन हो जाता है। तो यहां पे इस चीज को जानना है कि अगर उससे मुझे अटेंडेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको एक डेटा भेजा भी था, उसी डेटा को हम यहां डाउनलोड करते हैं। जी हाँ, तो मेरे पास दो तरह का डेटा है। पहला डेटा है ए, यहां देखिए, जिसमें नेम है और यहाँ पे एक्स डेट है कि किसने कब कार्ड पंच किया है या थंब स्पेम दिया है, डेट एंड टाइम के साथ यहाँ पे दिख रहा है। इसमें क्या है, एक डेट में वो कई बार भी एंट्री कर सकता है, 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार भी एंट्री कर सकता है। तो वन टाइम में एक कई बार एंट्री कर सकता है, इसका रिकॉर्ड आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, तो मुझे इसका इससे इस तरह का रिपोर्ट बनाना है, अटेंडेंस बनाना है। क्या करना है, समझ में आ गया आपको सुनील जी? यस सर, यस सर। पूरे दिन की रिपोर्ट निकालनी है उसकी, इन और आउट टाइम की ना। हाँ, तो इसके लिए और भी तरीके हैं, लेकिन मैं इसको पिवट टेबल से इजीली निकाल सकता हूँ। बस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, पिवट टेबल लगाइए, देन ओके। उसके बाद यहाँ हमने डेट को रखा कॉलन पे और नेम को रखा रो पे। अब इसमें देखिए कि यहाँ तो आपको दिख रहा है ना डेट 1 2 3, क्योंकि मैं इस डेटा पे काफी काम कर चुका हूँ, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसको आप लगाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता। Okay, पिवट जैसे कई एक ही फीचर्स को कई बार अप्लाई करते हैं तो पिवट उसको अपने पास रख लेता है, अपने पास उसकी रिकॉर्ड रख लेता है, नेक्स्ट टाइम में उससे भी फीचर्स अपडेट कर देता है। तो मुझे यहाँ सबसे पहले तो चाहिए यहाँ पे एक एक दिन का आना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए 6 यहाँ पे 6 1 17 कई बार है ना सर। तो मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गया और ग्रुप पे हमने यहाँ पे ले लिया डे, क्या लिया डे, राइट, एंड यहाँ ओके कर दिया, यहाँ दिन आ गया। यस सर। अब मुझे यहाँ पे चाहिए इसकी अटेंडेंस, तो हमने स्कैन डेट को वापस रखा वैल्यू, तो ये काउंट हो गया। नहीं काउंट होता आप यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके काउंट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैंक है, मतलब जिस दिन वो नहीं आया उस दिन ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ जीरो हो जाए या डायरेक्ट अब्सेंट हो जाए। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको अब्सेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कैसे किया मैंने देखा, दोबारा देखिएगा, राइट क्लिक किया और यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन पे और यहाँ पे हमने दे दिया ए। बट मैं यहाँ पे ए अब्सेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको जीरो करना चाहता हूँ। तो पिवट टेबल ऑप्शन में आया और यहाँ पे मैंने जीरो दे दिया, देन ओके, हर नंबर जीरो हो गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें जो टोटल वगैरह है उसको हटा देता हूँ, यहाँ से पिवट टेबल में गया ऑप्शन में, टोटल फिटिंग में जो टोटल वगैरह है वो हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो नंबर है, मतलब कि वो एक बार भी कार्ड पंच किया है, इसका मतलब है उस दिन वो आया है, उस दिन वो प्रेजेंट था, और जिस दिन वो कार्ड पंच नहीं किया उस दिन मतलब कि वो अब्सेंट था, उसने उस दिन ड्यूटी नहीं की है। तो हमने इसको सिलेक्ट किए, नीचे तक ड्रैग किया, राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शन पे गया और यहां हम पिवट टेबल ऑप्शन, माफ कीजिएगा, राइट क्लिक करके हम जाएंगे यहां पे
फॉर्मेट से। आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेट में हमने बताया था कि यहाँ पे हम किसी भी नंबर के लिए पी ए डाल सकते हैं, मैंने कुछ भी डाल सकते हैं, तो नंबर की जगह पे ओ प्रेजेंट करे, ओ प्रेजेंट होगा। जैसे हमने यहाँ पे पी डाल दिया तो हर नंबर पे आपका प्रेजेंट होगा। लेकिन सेमी कॉलन किया, स्पेस सेमी कॉलन दिया और यहाँ पे मैंने एब्सेंट डाल दिया। होता है क्या है कि पहला जो होता है यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो सेपरेटर है, जैसे फॉर्मूला में कॉमा होता है। तो P जो हुआ ये हुआ आपका पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव का ब्लैंक, क्योंकि डेटा में नेगेटिव है नहीं इसलिए ब्लैंक कर दिए, और यहाँ अब्सेंट के लिए यहाँ पे A कर दिया। जीरो, तीसरा तो जीरो का होता है, मतलब कि पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो, चौथा होता है टेक्स्ट। यहाँ पे हमें नेगेटिव देने की जरूरत नहीं है तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे जीरो है और टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। अब ओके तो सुनील जी समझ में आपको कि नहीं सर? हाँ सर आ गया, आ गया। डाउट इसमें? नहीं इसमें डाउट नहीं है। चलिए अब दूसरे डेटा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा डेटा मेरा यहाँ है जिसमें दूसरा डेटा में नेम है और यहाँ पे इन टाइम और आउट टाइम है। इसने इन किया है और आउट किया है। मुझे इस पे क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है कुछ इस तरह की कि कब आया, कब गया और कितना घंटा काम किया। बात समझ गए? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए? तो इसमें पिवट के वजह से आप इन और आउट तो डाल सकते हैं, बट कैलकुलेशन जो आवर्स है ये नहीं डाल सकते। इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे फॉर्म में, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहां पे इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, देन ओके। उसके बाद मैंने यहां इन रख दिया, नहीं माफ कीजिए मैं गलत कर दिया सर, वैल्यू पर रखना पड़ेगा मतलब इन। हाँ नहीं वैल्यू नहीं, यहां पे कॉलम में रखना पड़ेगा, डेट भी तो चाहिए तो इनको रखा कॉलम में। तो देखिए इस तरह से आ गया ना सर, और नेम को रख दिया यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले तो हम अनग्रुप करते हैं, क्या करते हैं अनग्रुप। उसके बाद मुझे ग्रुप चाहिए बट डेट वाइज, तो यहाँ पे ग्रुप पे गए और हमने यहाँ पे डेज सेलेक्ट कर लिया, डेज वाइज हो गया। उसके बाद मैंने इनको भी रखा और मैंने आउट को भी रखा, बट मुझे इसका काउंट नहीं चाहिए। हमने इसको सेलेक्ट किया वैल्यू सील सेटिंग और हमने बोला इन जो है मिनिमम होगा, मतलब कि सबसे लोएस्ट, आउट जो होगा मैक्सिमम होगा सबसे हाईएस्ट। समझ में आया, समझ में आपको बात? हाँ ठीक है ठीक है। जब वो आया होगा तो उस टाइम पे मिनिमम वाला टाइम और नेक्स्ट टाइम जो आउट हुआ। जी हाँ जी हाँ। अब इसको जो है हम डेट एंड टाइम दोनों है, तो सबसे पहले तो जहां जहां ब्लैंक है वहां वहां मुझे चाहिए अब्सेंट, राइट? तो राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे गया और यहां पे दे दिया अब्सेंट, आगे एब्सेंट। फिर जहां जहां नंबर्स हैं, टोटल फिल्टर भी हटा देता हूं एक बार, राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन, टोटल फिल्टर्स में हमने यहां टोटल हटा दिया। और यहां पे हमें यहां जो इन है यहां पे इन स्पेस दे दीजिएगा क्योंकि इन नाम का ऑलरेडी टैब है। और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शन, नहीं पिवट टेबल ऑप्शन नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट कर दीजिए, टाइम आ जाएगा, ये बन गया। और यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, तो डेटा हमारा हो गया। अब मुझे इसको कॉपी करना है क्योंकि मैं बताया था कि आवर्स जो है वो पिवट में नहीं निकलेंगे। दूसरे किसी एक नया सीट, कोई एक नई सीट पे आता हूं और इसको पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूं ताकि पिवट यहां हट जाए। अब मैं यहां पे मुझे सॉर्टिंग वाला मेथड अपनाऊंगा,
मुझे हर एक कॉलन चाहिए, कितना चाहिए, हर एक कॉलन, समझे। तो एक रो में इंसर्ट करता हूं, हर दो के बाद चाहिए, तो मैं एक और एक यहां पे दो बार लिखा और इसमें हमने कर दिया प्लस वन। और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, ये कितना है, 30 तक है। मैं वहां पे वन लिखता हूं और इससे आगे सेलेक्ट करता हूं और मैं चला जाता हूं फिल सीरीज में। सीरीज के अंदर हम यहां पे डाल देते हैं 30, एक से लेकर 30 तक का लीनियर रो वाइज नंबर बन गया, बन गया। अब इसके बाद मुझे इसका हेडिंग देना होगा ना, हाँ हेडिंग, हेडिंग मुझे देना है इसका। एक बार हेडिंग देने से पहले काम और करना है कि ये जो आपका दिख रहा है इसको मर्ज कर दीजिए, और डेट वाइज डेटा है तो इसको हम ड्रैग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं मर्ज बाद में करते, क्योंकि डेट भी तो होगा टाइम भी तो होगा, तो मर्ज बाद में करते हैं। तो फिर इसको सेलेक्ट करते हैं नीचे तक। सेलेक्ट करने से पहले एक चीज तो भूल ही गया मैं, यहाँ पे मुझे आवर्स का देना है हेडिंग, बना हेडिंग मैनुअली लिखना पड़ जाता। अबे सॉर्ट कर देंगे ना सर? हाँ सॉर्ट कर देंगे, बट सॉर्ट ऐसे नहीं करेंगे, सॉर्ट ऐसे नहीं करेंगे, सॉर्ट करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट, यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट टू राइट, ताकि मुझे कॉलम वाइज चाहिए ना सर, कॉलम दोनों के बीच में आ जाएगा ना। ओके इसमें मर्ज है, इसको अनमर्ज करते, एक मर्ज था इसलिए, इसे मर्ज पहले नहीं बाद में करना है सर। रो यहाँ पे रो नंबर वन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट हो गया। अब यही पे टाइम का फॉर्मेट दे देते हैं, हम निकाल सकते हैं लॉग इन आवर। हाँ और इसके बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ऊपर वाले को कर दिया। अब जो है मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इसको मर्ज करना है, इसको नहीं तीनों को मर्ज करना है, इसको डेट तक ना आएगा। हाँ मर्ज हो गया, अब इसको yes, आगे तक ड्रैग कर देना, हो गया। अब अगला हमारा जो चैलेंज है कि मुझे हर किसी में यहाँ माइनस का फॉर्मूला देना है यहाँ पे, कि आउट माइनस इन, आउट माइनस इन। अब एक एक करना तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगा ना सर। तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है फॉर्मूला गो टू स्पेशल फाइनल सिलेक्ट में, यहाँ पे होता है ब्लैंक, तो सिर्फ सिलेक्शन करता है, तो ओके कर दीजिए, जितने ब्लैंक्स है वो सबको सिलेक्ट कर दीजिए। ओके कर दिया सर ब्लैंक। Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम है कि उसने ऊपर हेडिंग को भी कर लिया, तो मैं हेडिंग नहीं चाहिए, तो हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं अपना एरिया, जो मेरा एरिया है वो एरिया सिर्फ सिलेक्ट कर लिया, एंड गो टू स्पेशल में हम जाते हैं और बोलते हैं ब्लैंक, ओनली फॉर ब्लैंक। तो जितना सिलेक्टेड था उसमें ही हुआ। इसमें पहला जो सिलेक्टिव है वो D3 है, दिख रहा है आपको D3 एक्टिव है? Yes, sir. अब मैं इसको सिलेक्ट किया लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, कर दिया। Yes, sir. अब यहाँ पे एंटर नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, कंट्रोल एंटर। अब ये कंट्रोल एंटर क्या होता है, अब कंट्रोल एंटर समझ जाइए, कंट्रोल एंटर ये होता है कि जैसे कि एक सिलेक्टेड एरिया है आपका, अब मुझे कुछ टाइप करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा, इसी एरिया में आएगा, एक में एंट्री हुआ। लेकिन अगर कुछ टाइप करके मैं कंट्रोल एंटर कर दूंगा, तो जितना सिलेक्टेड है सब में कॉपी पेस्ट कर देगा, ठीक है सर? ठीक है सर। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ कि इस पूरे एरिया में उसने कॉपी पेस्ट कर दिया और हमारा एक ही फॉर्मूला ना लगाना पड़ा। अब इसमें एरर है, एरर वैल्यू पे एरर दिख रहा है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते समय जो फॉर्म, एक मिनट कंट्रोल जेड करते हैं, फॉर्मूला लगाते समय हम यहाँ इस एरर में फॉर्मूला लगाएंगे, इस एरर, इसको सिलेक्ट किया लेटेस्ट,
तो हमने कॉमा दे दिया ए, कि जहां एरर है वहां अब्सेंट हो जाए। ठीक है, ठीक है ना। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारिए, एक मिनट सर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर मारना था ना। सुबह सुबह क्या हुआ, तो नाश्ता वास्ता नहीं किया, दिमाग नहीं चल रहा है क्या मेरा। चलिए यहाँ पे कंट्रोल एंटर हो गया सर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। तो अब इसकी फाइल मैंने भेजी है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगली क्लास जो कल से हमारी स्टार्ट होगी, उसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में।